सर क्या कहेंगे आज, आप सुना है टारगेट इंडिया की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, किस तरह का गाना है? ये बहुत अच्छा गाना है टारगेट इंडिया का, और हमारे बीच में मोहम्मद सलामत ये गाना गा रहे हैं इस टाइम पे। मतलब उसका मूड क्या है, जैसे कि हमें लग रहा है कि ये पूरी की पूरी कहानी आर्मी बेस्ड है आपकी, तो देश का मूड ऐसा है कि आर्मी वाले भी कभी कभी इंजॉय करते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये उस टाइप का सॉन्ग है कि एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब ये उसका सॉन्ग चल रहा है उस टाइप का है। इतनी मेहनत की है आपने फिल्म, मतलब आप कितनी उम्मीद रखते हैं इस फिल्म से, इसके बारे में बताना? मुझे इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए है कि इसमें ओरिजिनल जवान है और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे जवान हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ आपने की हैं, एक्टिंग भी, प्रोड्यूस भी किया है, और साथ में सुना है कि डायरेक्शन भी आपने किया है। बहुत मेहनत का काम, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, कभी रात दिन मेहनत, मतलब सबसे पहले मैं अपने जो भी हमारे जवान थे उनके हम सीन लेते थे, उसके बाद में फिर मैं अपने सीन लेता था, इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ी मुझे। आप फिल्म को कैसे आपने तैयार किया, कुछ जो आपकी परेशानियां थी उसके बारे में कुछ बयान करें, कहीं पे कुछ ऐसा हादसा गुजरा कि जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हों बहुत बुरी तरह से? काफ़ी परेशानी हुई जब हम शूटिंग करने श्रीनगर पहुँचे थे बॉर्डर पर, जब हमारी शूटिंग चल रही थी उस टाइम पे कुछ ओरिजिनल आतंकवादी हमारे वहाँ से निकले, मतलब आधा किलोमीटर में फायरिंग चल रही थी, हमारी शूटिंग को रोका गया, हमको वापस नहीं आने दे रहे थे दिल्ली के लिए, बोले नहीं अभी आप कहीं नहीं जा सकते, आप श्रीनगर में रुकेंगे। उस दिन रात तो मेरी ऐसी, मतलब कहीं होटल भी नहीं मिल रहा था हम लोग नाइट में, तो काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी मुझे। बैक टू बैक आप फिल्में कर रहे हैं, क्या है कुछ बताएंगे टारगेट इंडिया में आपका क्या किरदार, इसके बारे में? टारगेट इंडिया में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विजय सक्सेना जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया, और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका दिया जो मैंने आज तक 25 फिल्में की, उनमें किसी भी फिल्म में मैंने ऐसा किरदार नहीं निभाया, ना ऐसे लोकेशनों पर मैंने शूट की, पहली बार मुझे ये अवसर मिला। और मैंने ये जो ISI मुजाहिदीन संगठन है उसके एक खूंखार आतंकवादी का किरदार मैंने निभाया, और बड़ा प्यारा शूटिंग करवाया इन्होंने मुझसे, और बड़ा ही मज़ा आया मुझे शूटिंग करने में। रिकॉर्ड हो रहा है, सिंगर कौन है और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? आज सिंगर जो हैं वो मोहम्मद सलामत हैं, और डायरेक्टर हमारे हैं डॉक्टर साहब वीरेंद्र चौहान जी हैं, विजेंद्र चौहान जो टी सीरीज से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप फिल्म से कैसे जुड़े हुए? मैं डॉक्टर बेगरा सिंह, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूं, और मुझे इस फिल्म में एक BSF ऑफिसर का रोल अदा करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूं विजय सक्सेना जी का, जिन्होंने मेरी भूमिका को देखते हुए, मेरे पिछले डिफेंस के जीवन को, लाइफस्टाइल को देखते हुए इस रोल के लिए मुझे चुना, और मैंने बखूदी अपना 100% दिया है इसमें। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मुझे एक बार फिर से ऐसा लगा कि शायद मैं फिर से एक रियल फौज में आ गया, क्योंकि इसमें जितने भी सीन उन्होंने पिक्चराइज किए, लोकेशन रियल है, पर्संस रियल हैं, कैमरा रियल सिचुएशंस पर रोल हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। सर लास्ट सवाल, आप कहाँ कहाँ रिलीज़ करेंगे, दर्शकों से क्या कहेंगे? सर पूरी पिक्चर वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। ट्रेलर कब तक आ रहा है? ट्रेलर लॉन्च हो चुका है हमारा, कल ऑलरेडी लॉन्च हो गया हमारा ट्रेलर, और म्यूजिक अभी बाकी है, म्यूजिक हमारा नेक्स्ट वीक में प्लानिंग है रिलीजिंग का म्यूजिक। और मैं जी दर्शकों से क्या कहूँ, दर्शकों से यही चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देश के जवान जहाँ भी दिखें उनकी बहुत इज्जत करें, और आज हम जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं तो सिर्फ उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। जय हिंद। और मैं पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनसंख्या से आग्रह करता हूँ, इस फिल्म को बहुत बहुत सराहें, बहुत मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने में, विजय सक्सेना जी ने बहुत मेहनत की है, 5 साल लगे इनको फिल्म को कंप्लीट करते करते, और इनके परिवार के सभी लोग आर्मी में हैं, खाली यही एक आदमी है जो फिल्में बनाते हैं, तो मैं 125 करोड़ जनसंख्या से ये आग्रह करता हूँ, इस फिल्म को बहुत सराहें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।